जन्नत मेरे को थोड़ा सा रिवाइंड करके अगर हम जाए जब म्यूजिकल ही होता था तो पहला पहला वीडियो डाला और व्यूज आने लग गए तब तो ऑब्वियसली लोग जानते ही थे बिकॉज आप एक टीवी सेलिब्रिटी हाँ। थे ऑलरेडी उसके बाद जब टिकटॉक आया और टिकटॉक में आप लोग के फॉलोअर्स मतलब कितने थे टिकटॉक पे खत्म होने पे 28 मिलियन थे कुछ 28 मिलियन फॉलोअर्स थे ऑन द स्पॉट टिकटॉक बंद हो गया हाँ। आपका तो चलो दूसरी जगह पे आपका काम था हाँ। लेकिन व्हाट वाज योर रिएक्शन ठक करके बंद कैसे कर दिया आई ओके विद इट जो रीजन से बंद हुआ था उसमें कोई सवाल ही नहीं था कि मैं बुरा मानू या मैं ये क्यों बंद हुआ जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी गुलाटी मार रहा है सौ गुलाटी मार लेता है मैं नहीं बोल सकता यार मैं भी गुलाटी मार दूं क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस ही नहीं की मैं अपने आप को उस दर्जे पे देख ही नहीं सकता लेकिन इंस्टाग्राम मेरे पास भी है इंस्टाग्राम जन्नत के पास भी है ऐसे फोटो मैं भी डालूंगा जन्नत भी जन्नत को आते दस लाख लाइक

हमने उनको वो अथॉरिटी दी है ना मुझे कितने सारे कमेंट्स आते हैं इतने अच्छे अच्छी चीज़ें लिखते हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं तो उसमें से लोग आते हैं जो बुरी चीज़ें भी लिखते हैं लेकिन उसका भी एक तरीका होता है और उसका भी एक एक सर्टन एक लिमिट होता है आपको मेरी फ़ोटो नहीं अच्छी लगी आपको मैं नहीं अच्छी लगी मैं आपको अच्छी लगती ही नहीं हूँ चलो कोई बात नहीं यार मतलब मैं कोई वो हूं पर ही नहीं हूँ मैं जो सबको अच्छी लगूंगी नहीं अच्छी लगती मैं लोगों को दैट्स ऑल राइट लेकिन फिर उसका वो जो एक लिमिट क्रॉस कर देते ना कि फिर वो फैमिली पे चले जाएंगे वो भाई पे चले जाएंगे फिर वो हर चीज़ को निकाल के और फिर आ। वो आ जाएंगे गंदे वर्ड यूज़ करने पर तो दैट इज़ नॉट राइट आप किसी को पसंद कर सकते हैं आप किसी को नापसंद कर सकते हैं लेकिन आप किसी को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट और yes. इतना डिमीन नहीं कर सकते कि वो इंसान अपनी एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन कर ले कि भाई क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मेरे वजह से यहाँ मेरे पेरेंट्स को भी लोग गाली दे रहे हैं मेरे भाई को भी दे रहे हैं मेरे काम को भी दे रहे हैं ऐसा क्या कर दिया मैंने तो वो एक क्वेश्चन तो आएगा और नो no मैटर कोई कितना बोल ले मैंने भी कई बार बोला है है आ, है कि कि द बेस्ट वे टू टू डील विद दिस इज इग्नोर बट नहीं होता हर कोई ये बोलता आपको जितना प्यार मिल रहा है उस पर फोकस करो और हम करते भी हैं करेक्ट लेकिन वो इतने हार्श वर्ड्स होते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं ऐसे आके चुप जाते हैं कि यार ये गलत है ये हम डिजर्व नहीं करते क्योंकि क्या कर दिया ऐसा खुद का फोटो डाल रहे हैं खुद का रील बना रहे हैं आपका बुरा क्या कर दिया हमने इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे हैं यू नो सपोज़ गलत वर्ड्स यूज़ करके वीडियोस बना देते हैं ऐसे कंटेंट या ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं जो तो शायद अच्छी नहीं है या वो अच्छी नहीं अक्रॉस आ रही है फॉर दी ऑडियंस उनको नहीं मिलता हेट उनको लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन जो इंसान कुछ नहीं uh, <coughs> कर रहा है उस इंसान को आप इस तरह से पूरी फैमिली को so right. okay, सकती उसके लिए आप कमेंट सेक्शन बंद कर सकते हो फिर बहुत लोग कमेंट सेक्शन बंद करते हैं लेकिन वो भी दिख जाते मतलब वो, वो लगता है कि यार नौबत पे क्यों आए कि हमें वो बंद करना पड़ रहा है डर के यार कोई हमें बोले से अच्छा हम बंद कर दें बोलने वाली बात है लेकिन वो मोटी चमड़ी रखो बोलने तो जिसको बोलना है क्या ही कर सकते हैं लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक टर्म दे देता है ना तो उनको लगता है कि इनको ज्यादा पता नहीं होगा आ, ये तो वीडियो डालते हैं ये तो वीडियो डाल के फोटो डाल देते हैं और ये स्टार बन गए क्या ऐसा सच में है कितना एफर्ट लगता है पता नहीं होगा किस बारे में इन टर्म्स ऑफ आर्ट इन टर्म्स ऑफ लाइफ मैं आपको ऑनेस्टली <coughs> बताऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर मैं हो गई या और मेरे दो चार फेलो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए तो चलो इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है बिकॉज टचवुड हम लोगों ने दूसरे काम भी करें टी वी भी किया हुआ है लोगों ने रियलिटी शोज भी किए हुए हैं लेकिन तभी भी एक मेजोरिटी ऑफ पीपल है जिनको ना वो रिस्पेक्ट मिलती है जिनको ना वो वैल्यू मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं आई टोटली अंडरस्टैंड पीपल नॉट एक्सेप्टिंग इट एज ऑफ नाउ क्योंकि ये एक नई चीज़ है आज से पाँच साल पहले मुझे भी नहीं पता था वर्ड इन्फ्लुएंसर क्या होता है या मैं भी खुद पाँच साल बाद वो कहलाऊंगी लेकिन आ, मुझे लगता है कि लोगों को टाइम लग रहा है उस एक्सेप्टेंस के लिए लेकिन अगर एक इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है कि आज अगर कोई कितनी बड़ी फिल्म का गाना भी आ जाता है तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है अगर वो एस का गाना है वो यशराज का गाना किसी भी का, का भी, 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 गाना भी, भी गाना होता है आपको भी पता है कि पूरी मार्केटिंग होती है कितने टर्म्स आ गए हैं नैनो इन्फ्लुएंस माइक्रो इन्फ्लुंस मेगा इन्फ्लुएंस इतनी सारी टैलेंट एजेंसीज हैं जो खुल गई हैं जो इतने लोगों को मैनेज कर रही हैं इतने सारे लोग थे जो जो जॉबलेस थे जिनको जॉब नहीं मिल रही थी जो लोग थे जो डिप्रेशन में थे जो लोग थे जो कितने हमारे ही फील्ड वाले हैं एक्टर्स हैं जिनको काम नहीं मिल रहा था बट फिर उन्होंने इससे द स्टार्टेड अर्निंग उनको ब्रांड्स आ रहे हैं वो को में या बाटर में काम कर रहे हैं बट दे प्रोवाइडिंग फॉर दे फैमिली दे प्रोवाइडिंग फॉर दैम सेल्व एटलीस्ट वो उस फ्रस्ट्रेशन से उस डिप्रेशन से निकल के एक प्लेटफॉर्म है जिसपे उनको जो दिखाना है वो दिखा सकते हैं चाहे वो मेकअप स्किल्स हो डांस हो कितने कोरियोग्राफर्स हैं जिन्होंने अपने डांस की वीडियोज डाल डाल के आज वो म्यूजिक वीडियोज कोरियोग्राफ कर रहे हैं कितने सिंगर्स हैं जिनको रिकग्निशन मिला है इतना सब होने के बाद अगर एक कम्युनिटी इतनी पावर होल्ड कर रही है तो उसमें कोई तो बात होगी ना करेक्ट बिना बात के इतने इतने नाम इतनी चीज़ें इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट इतने, लोग इतने लोग अपने फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हैं इतने लोग आज जॉबलेस नहीं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म है और वो शो yes. केस कर रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं तो वो कम्युनिटी इतना हेट तो नहीं डिज़र्व करती ना और yeah. सिर्फ हेट नहीं अगर उनको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है जो आई एम श्योर वो उस चीज़ को मांगते नहीं है बिकॉज़ ये लोग इतने नए हैं ना चलो हम तो इतने टाइम से लोगों से मिल रहे हैं मीटिंग्स करते हैं काम करते हैं हमें पता है कि यार यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हो रही है यहाँ पर वो वैल्यू हमें नहीं मिल रही है जो हमें मिलनी चाहिए बट आई थिंक उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि उनको नहीं And मिल रहा आई थिंक ये जिस चीज की हम अभी बात कर रहे हैं वो जन्नत तक तो आती भी नहीं होगी वो नई दूसरों की बात कर रही हूँ वो लोग जो जो शायद पांच मिलियन सात मिलियन आठ मिलियन के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम आती होगी बहुत आती है क्योंकि आप देखो ना भैया मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इज्जत होती है इंसान के काम की ठीक है सबसे ज्यादा इज्जत काम की होती है तो यहाँ पर ना वो मैटर नहीं करना चाहिए कि वो इंसान पांच मिलियन पर है या वो दो लाख पर है इंसान को डिसरिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए चाहे वो जब कोई काम छोटा नहीं होता तो फिर ये काम को छोटा क्यों समझ रहे हो है ना जब हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता कोई काम करने में इंसान को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए लेकिन ये काम जब आता है जब टर्म इन्फ्लुएंसर यूज होता है तो इंसान उसको ऑटोमेटिकली उससे देख लेता है अच्छा हाँ ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों कर रहे हो वो इंसान खुद के बल पे कर रहा है किसी का बुरा नहीं कर रहा है, खुद मेहनत कर रहा है खुद वो कमा रहा है लेकिन आपको एक रुपया भी नहीं देता लेकिन उसको महीने का पचास हजार रुपया तो, इस फोन से जो चीज इंसान की रोजी रोटी है उस चीज पर इंसान को उतना डिमीन करना की तुम छपरी हो तुम ये हो तुम लोग नाचो नाचने में क्या बुराई है एग्जैक्टली मतलब ये टर्म्स बुरे नहीं है, लेकिन आप उनको आई थिंक तो बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। ये सब कुछ चीजें जो लोगों को अभी तक के रियलाइज नहीं हो रही या तो कोई रियलाइज करा नहीं पा रहा है, है यर, लेकिन आप जब आपके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली और स्ट्रॉन्ग फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना आपको सपोर्ट करने वाले फिर आ, जितना भी कहो ध्यान चला ही जाता है ऐसी बातों पे बट आप अपना फैमिली की तरफ देखिए जो घर बैठी बच्चियां वीडियोस बनाना चाहती हैं कुछ करना चाहती हैं तो उनको आप कुछ हिम्मत दो आपने क्या सोच के शुरू किया था कि हटना नहीं तो मेरे केस में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मेरे लिए था वो ये था कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बैकअप दिया ये करने के लिए और उन्होंने मेरे पीछे मेहनत करी क्योंकि मैं तो इतनी छोटी थी उस टाइम पे आपको पता ही नहीं होता है कि आपको करना क्या है लेकिन आई थिंक उन लोगों के लिए जो ये करना चाहते हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कुछ मत करना क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको भले ही वो एक पॉइंट तक की वो चीज़ खुशी देगी लेकिन अंदर से ना कहीं ना कहीं आपको वो एक जगह खाली रह ही जाएगी अगर yes. आपके फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा आपके लिए तो आई थिंक सबसे पहले आपका फैमिली का सपोर्ट आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और सेम गोल्स फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो आप भी इक्वली उस चीज़ को समझिए कि जो बच्चा आपका जो करना चाह रहा है उसका ऑब्वियसली जांच पड़ताल करके उनकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करते हुए या करने के बाद वो जो करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें एटलीस्ट वो एक टाइम दें उनको कि आप ठीक है ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो करने ही नहीं देते लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं चल मैंने इतना टाइम दिया ट्राई कर ले तो, तो उनकी भी बात रह जाती है इनकी भी बात रह जाती है जरूर देना चाहिए हाँ तो उनको एक चांस जरूर देना चाहिए सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा आई थिंक इस अगर इस फील्ड में या बहुत सारे लड़कियाँ हैं जो बहुत सारे लोगों को भी इन्फ्लुएंसर बनना है उनको कोई फैशन इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं कोई ब्यूटी में कर रहा है तो उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि सब लोगों को हेट मिलती है सब लोग ट्रोल होते हैं ऐसा नहीं है कि आज मैं इतने साल से वो काम कर रही हूँ तो मुझे वो ट्रोल या चलो ट्रोल तो ज़्यादा बड़ा वर्ड हो गया बट वो डिसलाइक या वो हार्श वर्ड्स नहीं आते हैं बहुत आते हैं बट ट्राई करो इग्नोर करने का उसको यहाँ पर मत आने देना और उससे अपने आ, उस पर मत डाउट करने लगना कि अरे शायद मुझ में कुछ कमी है या मैं गुड इनफ नहीं हूँ आप बहुत इनफ हो आप काफ़ी हो आपके लिए आप काफ़ी हो सबके लिए जो लोग बोल रहे हैं आप yes. उन्हें बोलने दें इग्नोर करें जितना हो सकता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके बारे में अपने माँ बाप से बात करें या

बल्क हाँ, बनता रहता है दिमाग में कि वो भरता रहता है भरता रहता है भरता रहता है देन वन फाइन डे आप रो रहे हो आपको भूख नहीं लग रही है तो आई थिंक वो इट टर्न इन सम अदर थिंग और फिर वो आप उसको वो डिप्रेशन का नाम मिल जाता है उस चीज को फिर उससे लोगों को एनजाइटी होने लगती है हाथ पैर ठंडी होने लगते हैं सो आई थिंक दैट इज समथिंग जो इतनी बुरी तरह से फिर इफेक्ट कर रहा है लोगों को वेरी नाइस बहुत अच्छी बात बोली हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए